लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप. लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन उसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती. वॉल्यूम उसका एक जैसा होता है, फिक्स्ड होता है, लेकिन शेप उसकी हम जिस कंटेनर में उसको डालते हैं वही शेप ले लेता है. लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है. सो दे कॉल्ड लिक्विड, इसलिए तो वो लिक्विड कहलाता है. लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस, लिक्विड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते. गैस, ठीक है. फ्लूइड्स इंक्लूड बोथ लिक्विड्स एंड गैस. बच्चे जो फ्रूट्स होते हैं आपके पास वो लिक्विड्स में लिक्विड भी रखते हैं और गैस भी रखते हैं. सो दे हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. तो ठीक है, दो दे डू नॉट, क्योंकि इसके बच्चे इसीलिए इसकी कोई भी फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता. गैस कैन बी कंप्रेस्ड. बच्चे वाहिद गैस की एक ऐसी खूसियात है, गैस एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कंप्रेस कर सकते हैं. लिक्विड और सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते. नेक्स्ट है मैटर कैन चेंज इट स्टेट. ठीक है, तो मटीरियल रिमेन सॉलिड लिक्विड एंड गैस एट सर्टेन टेम्परेचर्स. ठीक है, मटीरियल जो है बच्चे वो एक सर्टेन टेम्परेचर में सॉलिड लिक्विड और गैस होते हैं. इफ़ दे आर हीटेड और कोल्ड, जब इनको गर्म या ठंडा किया जाता है दे कैन चेंज फॉर्म, अपनी अपनी शक्ल को तब्दील कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेन आइस आर सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस टू वाटर. जारी होता है जब हम बर्फ़ है उसको हम हीट करते हैं तो वाटर में तब्दील हो जाती है. ठीक है, ब्लू वाटर में तब्दील होकर वो लिक्विड बन जाती है. वेन वाटर इज हीटेड, जब पानी को गर्म किया जाता है इट चेंजेस टू वाटर वेपर्स आ गैस. ठीक है, तो ये वाटर वेपर्स में तब्दील हो जाती है जिससे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं. आगे है इवेपोरेशन, स्टीम राइजेस अप एट हॉट स्प्रिंग पूल्स. ठीक है, जैसे आपके पास पूल्स होती हैं, गर्म पानी होता है बच्चे, तो उसमें क्या होता है, जो पानी होता है बच्चे वो स्टीम के बुखार आग की शक्ल में ऊपर की तरफ चला जाता है. कंडेंसेशन वाटर वेपर्स कंडेंसेस ऑन द कोल्ड ग्लास. बच्चे जो वाटर वेपर्स होते हैं ठीक है वो कोल्ड ग्लास में कंडेंस हो जाते हैं, जैसे मतलब दोबारा वापस आ जाते हैं. कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन इज हाउ अ मटीरियल लेट्स पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट. उन्होंने कहा कंडक्शन क्या होता है कि एक मटेरियल है वो अपने अंदर से कैसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है, इसमें हम लोग ये समझते हैं. वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. वॉल्यूम बच्चे हमारे पास क्या है, वॉल्यूम कैसी स्पेस है जो एक ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसमें वॉल्यूम आ जाता है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.